विविध प्रश्नमाला एक का क्वेश्चन नंबर अभी हल करेंगे 9, जो कि है निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो इसके लिए देखिए, पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, यानी एक रेखा बनाएंगे सीधा। उसके बाद बीच में हम कहीं पे भी जीरो देंगे, ठीक है, और बराबर दूरी पे यहाँ पे मानिए एक दे रहे हैं और इधर -1, ठीक है। अब देखिए, दाएं जीरो के दायां तरफ धनात्मक संख्या रहता है और जीरो के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है -5/7, तो -5/7 हमेशा जीरो और एक के बीच में आएगा, क्योंकि देखिए 7 से 5 में भागा देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 7 से 5 लगेगा नहीं, इसलिए 0.75, 1 0 लेंगे तो 7, 0.7 कुछ ऐसे ही आएगा। तो इसके बीच में हम 7 भाग करेंगे, देखिए -5 का 7 है, तो यानी 0 और -1 के बीच में हम 7 भाग करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखिए 7 भाग करेंगे, तो देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, क्योंकि नीचे 7 है तो इसीलिए 7 भाग करेंगे। तो देखिए यहां से यहां 1 भाग हुआ, यहां से यहां 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7, यानी बीच में हम 6 लाइन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 भाग में ये बट जाएगा, ठीक है। अब देखिए गिनेंगे तो यहाँ पे है -1/7, यहाँ पे है -2/7, यहाँ पे है -3/7, यहाँ पे है -4/7, यहाँ पे है -5/7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5/7। तो ये रहा, तो इसी को हमको दर्शाना था। तो इस तरह से हम तीर से इसको दिखा देंगे कि -5/7 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -6/7, यहाँ पे हो जाएगा -7/7, तो 7/7 कट के -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए -5/7। दूसरा में है देखिए 2/1/3, तो इसके लिए भी हम संख्या रेखा लेंगे, ठीक है, और कहीं पे 0 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 0 लेते हैं, तो मान लीजिए यहां से यहां तक 1 हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक 1 लिए, यहां से यहां तक बराबर होना चाहिए 2, और यहां से यहां तक 3, ठीक है, तो सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो इधर हो गया -1, और जितना आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्या है तो इधर ही आएगा, तो 2/1/3 है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा है और 3 से कम होगा, क्योंकि 2/1/3 है, तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो देखिए 3 3 भाग करने के लिए कह रहा है, 1/3 है, यानी 3 भाग करेंगे, तो हम बीच में दो दो जगह निशान देंगे, तो देखिए 3 भाग में हो जाएगा, 1 भाग इतना हुआ, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है। तो 3 भाग नीचे जितना रहेगा उतना भाग कर लेंगे। अब कह रहा है 2/1/3, तो जो सबसे पहला होगा वो 2/1/3 होगा, उसके बाद 2/2/3, उसके बाद 2/3/3, तो हमको ये वाला दिखाना है 2/1/3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहला में, पहला लाइन जहां पे है 2/1/3, और इस तरह से ऊपर से हम तीर से इसको दिखा देंगे कि यहां पे है, ठीक है। जो देखिए 1 है, ऊपर में 1 है, तो सबसे पहला लाइन होगा 1 में, उसके बाद अगर 2/2/3 रहता तो ये हो जाता। सी में देखिए कितना है, 8/5 है, तो इसको पहले हम पूर्णांक में बदल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से भागा देंगे तो 1 पूर्णांक कितना बचेगा, 5 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा, तो 3 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, नीचे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही लिखेंगे, तो 1 पूर्णांक 3/5 आ गया। अब इसको देखिए, इसको हम दर्शाएंगे,
ठीक है, संख्या रेखा पर अब हम आसानी से इसको हम दिखा सकते हैं। तो एक संख्या रेखा यहाँ पे देखिए बनाते हैं, सीधा लाइन लेंगे, सीधा रेखा, ठीक है, इस तरह से तीर दे देंगे दोनों तरफ, कहीं पे भी जीरो लेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहां से यहां तक हो गया एक, यहां से यहां तक हो गया दो, इधर देखिए यहां से यहां तक हो गया -1, तो धनात्मक संख्या है तो इधर ही आएगा। देखिए एक पूर्णांक है 3/5, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो 1 पूर्णांक 3/5 आएगा 1 और 2 के बीच में। तो नीचे कितना है देखिए, 5 है, तो हम 5 भाग में पहले 1 से 2 को बांटेंगे। तो 5 भाग के लिए हम 4 लाइन लेंगे यहाँ पे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और देखिए 4 लाइन। तो एक देखिए, एक एक भाग ये हुआ, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, देखिए इधर थोड़ा छोटा हो गया, बराबर बराबर दूरी पे लेना है, तो हम बिना स्केल का कर रहे हैं, इसीलिए देखिए थोड़ा इधर ज्यादा नजदीक हो गया है, लेकिन आप लोगों को स्केल से इसको करना है। तो देखिए हम इसको फिर से हम बना दिए, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, ज्यादा नजदीक हो गया था, बराबर बराबर रहना चाहिए। तो इसको देखिए 5 5 भाग में बांटना है, देखिए तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग हो गया। अब कह रहा है 1 पूर्णांक 3/5, तो इधर से हम देखेंगे तो 1 पूर्णांक 1/5 ये हुआ, 1 पूर्णांक 2/5 ये हुआ, 1 पूर्णांक 3/5 ये हो गया। देखिए 1 पूर्णांक 1/5 ये हुआ, 1 पूर्णांक 2/5 ये हो गया और 1 पूर्णांक 3/5 ये हो गया। तो हम ये इसके सामने लिख देंगे 8/5, क्योंकि 8/5 था क्वेश्चन में, तो 1 पूर्णांक 3/5 तो हम पूर्णांक में तोड़े हैं ताकि संख्या रेखा पे दिखाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8/5 और ऊपर दे देंगे एक तीर, ताकि पता चले कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पे दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, परिमेय संख्याएं 11/18, 17/21 और 25/48 को सम हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है 11/18, 17/21 और 25/48। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम हर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो हर है यहाँ पे 18, 21 और 48 तीनों का हर, उसका क्या करेंगे, लघुत्तम संख्या, लघुत्तम समवर्तक पहले निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम हर 18, 21 और 48 का लघुत्तम समवर्त्य बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 18, 21 और 48 का लघुत्तम निकालेंगे, तो देखिए यहां पे हम देखिए कॉपी के पीछे रफ में हम निकाल लेते हैं। यहां पे देखिए 18, 21 और 48, तो देखिए 2 से लगाएंगे, 2 नंबर 18, 21 नहीं लगेगा, 2 से 24 बार में, 24 दूनी 48। अब देखिए 3 से लगाएंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 3 अठी 24, तो अब नहीं लग रहा है, तो इसको गुना करेंगे। देखिए 2 × 3 × 3 × 7 × 8, तो 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18, 18 × देखिए इधर 56 है, तो 18 × 56 करेंगे तो आ जाएगा 1008। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1008, तो इसका लघुत्तम हो गया तीनों का 1008। तो अब लिख देते हैं वहां पे, देखिए हर 18, 21 और 48 का लघुत्तम समवर्त हो गया 1008। अब देखिए अब पहले हम 11/18 को लेंगे, तो देखिए 18 में कितना गुना करेंगे कि 1008 आएगा, तो 18 में गुना करेंगे 56, तो यहाँ पे 56 से गुना करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 56 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर को समान करना है, इसीलिए हम लघुत्तम जितना है उतना सबको बनाएंगे, तो उतना ही से ऊपर भी गुना करेंगे। तो 56 × 11 हो गया 616 भागा 1008।
देखिए 1008 सबका हर लाना है क्योंकि लघुत्तम संख्या 1008 आया था। आप देखिए दूसरा का हम लेंगे तो यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, तो 17/21। अब 21 से कितना गुना करेंगे कि 1008 आएगा, तो 21 से हम 48 गुना करेंगे तब आएगा 1008, तो ऊपर भी 48 से गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 × 48 आ गया 816, नीचे आ जाएगा 1008। अब देखिए तीसरा तीसरा नंबर में है 25/48, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/48, तो 48 से कितना गुना करेंगे तो 1008 आएगा, तो 48 में 21 गुना करेंगे तो 1008 आएगा, तो ऊपर भी 21 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 × 21 हो गया 525/1008। तो हम यहाँ पे देखिए लिख देंगे अतः सम हर बनाने पर परिमेय संख्या बराबर, तो इन तीनों को हम एक साथ लिख देंगे 616/1008 कॉमा 816/1008 कॉमा 525/1008। तो यही हमको लिखना था, यही हमसे पूछ रहा था कि सम हर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, -5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए 11 में -5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे पहले देखिए हर जो है 8 और 9 को 9 का लघुत्तम समवर्त निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हर 8 और 9 का लघुत्तम समवर्त बराबर कितना हो जाएगा 72, क्योंकि 8 और 9 किसी से नहीं लगता है तो सीधा गुना कर देंगे, तो 8 9 72। अब देखिए -5/8, 8 में हम कितना गुना करेंगे कि 72 आएगा, तो 9, तो यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 9 से गुना करेंगे, तो ये आ गया -45/72। ठीक है, अब देखिए कॉमा देते हैं, यहाँ पे 7/9 लिखेंगे, तो 9 से कितना गुना करेंगे तो 72 आएगा 8, तो ऊपर भी हम 8 से गुना करेंगे, तो आ गया देखिए 56/72। अब देखिए सम हर बन गया, यहां भी 72 है और यहां भी 72 है। ठीक है, तो अब सिर्फ ऊपर में देखिए 45 -45 और 56 में कितना दूर है, बहुत दूरी है, तो कितना भी परिमेय संख्या देखिए कितना निकल जाएगा, यानी 100 से ऊपर परिमेय संख्या निकल जाएगा। देखिए -45 और 56, तो -44 -43 ऐसे कर करके सीधे 1 2 3 4 5 से 55 तक परिमेय संख्या निकलेगा, लेकिन हमसे सिर्फ 7 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि आंसर हो जाएगा देखिए -44/72 कॉमा -43/72। देखिए -45 के और 56 के बीच में ये सब आएगा, क्योंकि -45 से बड़ा है -44। माइनस में हमेशा देखिए जो छोटा अंक रहता है वो बड़ा होता है, तो -45 से -44 बड़ा हुआ, फिर -44 से -43, फिर -42/72, -41/72, -40/72 कॉमा, देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 -39, 40 के बाद 39 होगा। ठीक है, -40 के बाद कौन सा संख्या आएगा, -39/72, फिर -39 के बाद -38/72, तो 7 ही पूछ रहा था। ठीक है, अगर 20 भी पूछता तो हम ऐसे कर करके लिख देते दे, -37 -36 ऐसे कर करके 55 तक, यानी बहुत सारा परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यही 7 पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है देखिए 12 का एक क्वेश्चन है, -4/7/90 यहां पे हमको भरना है। ठीक है, बराबर 5, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम पहले लिखेंगे -4/7, ठीक है, बराबर 5 × 90। देखिए
बायां तरफ जो ये डब्बा है वो भागा में है, तो दायां तरफ आके गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना करके इस तरह लिख देंगे। अब देखिए, माइनस 4/7 भागा 5 बराबर हो जाएगा डब्बा, देखिए दायां तरफ गुना में है 5 इसके साथ डब्बा के साथ, तो बायां तरफ भागा में हो जाएगा, तो 5 को हम इधर कर लेंगे। अब देखिए डब्बा बराबर निकल जाएगा, इसको भाग कर देंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पे -4/7 गुने 1/5। अब देखिए भागा को हम गुना लिख करके जो अंश है उसको हर कर देंगे, और जो जहां पे जहां जो हर है उसको अंश कर देंगे, तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो बराबर डब्बा हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। देखिए डब्बा बराबर, अतः डब्बा बराबर क्या हो गया, देखिए 4 × 1 4/35, और माइनस है देखिए साथ में, तो बीच में माइनस दे देंगे। ठीक है, तो डब्बा को हम इधर कर दिए क्योंकि ज्यादा समझने में आसानी हो, अगर यहां पे भी गुना करते तो वही चीज आता, बस डब्बा इधर आता, तो डब्बा को हम इधर कर दिए हैं, यानी इसमें कितना भरा आएगा, -4/35। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, यानी -4/7 भागा कितना होगा, -4/35, तो आ जाएगा 5। देखिए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं, देखिए सिर्फ चेक करके, इसको आपको नहीं लिखना है, बस हम आपको दिखा रहे हैं चेक करके, -4/7 भागा कितना आया है, -4/5, यहाँ पे हम लिखेंगे -4/5। ठीक है, तो -4/7 गुने -5/4 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे -4/35 है, तो -4/7 भागा कितना करेंगे, -4/35, तो गुना हो जाएगा, तो 35 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, 7 × 5 = 35, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आया आंसर, सिर्फ 5 आया, तो देखिए 5 यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर लेंगे कि सही है कि नहीं, तो ये सिर्फ चेक करने के लिए था, आपको सिर्फ इसको बनाना है। तो बी में देखिए 0 का योज प्रतिलोम, तो 0 का योज प्रतिलोम क्या होगा, 0 ही होगा, तो बी में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होता है। देखिए 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो इसीलिए 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बी में 0 लिखेंगे। अब देखिए सी, सी में देखिए कह रहा है कि गुणधर्म के अनुसार, तो ये किस गुणधर्म के अनुसार, देखिए 2/7 × -6/11 -5/14 है, बराबर लिखा है 2/7 को, फिर पहले -6/11 से गुना किया है, बीच में देखिए माइनस है चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया है, फिर 2/7 को 5/14 से गुना किया है, तो इसको हम लिखेंगे कौन सा गुणधर्म है ये, तो ये होगा अंतर पर गुणन का वितरण। देखिए अंतर पे गुणन का वितरण कर दिया है, देखिए यहाँ पे अंतर हो रहा था, फिर देखिए गुणन का वितरण कर दिया, 2/7 से दोनों तरफ गुना कर दिया है, तो हम सी में लिखेंगे अंतर पर गुणन का वितरण। अब देखिए डी कह रहा है ये कौन सा गुणधर्म के अनुसार हो रहा है, तो 3/8 + -8/13, इसको पहले ब्रैकेट में लिया, +4/15 बराबर 3/8 + -7/13 +4/15, देखिए अभी ये दोनों को ब्रैकेट में लिया है, पहले में ये दोनों को लिया था, तो ये होता है योग का सहचारी गुणधर्म, तो इसमें हम लिख देंगे योग का सहचारी, यानी पहले 2 को हल करके फिर तीसरा से जोड़ेंगे, इसमें पहले ये दूसरा और तीसरा जो नंबर पे है उसको जोड़ करके पहला से जोड़ते हैं, तो डी में हम लिखेंगे योग का सहचारी। अब देखिए -3/4 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो जो अंश है उसको हर कर देंगे, हर बना देंगे, और जो हर है उसको अंश बना देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो ई में हम लिखेंगे 4/-3, यानी 3 -3/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/-3। अब देखिए एफ में
7/15 और 15 के गुणात्मक प्रतिलोमों का योगफल। तो एफ में देखिए क्या कह रहा है, 7/15 और 15 के गुणात्मक प्रतिलोम, तो 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/15। तो इसका योगफल निकालने के लिए कह रहा है, यानी 7/15 प्लस 15 जो वहां पे है उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है, तो 1/15 कर देंगे, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, देखिए 15 का लघुत्तम 15, 7 ऊपर में जो है उसको उसी तरह लिख देंगे, क्योंकि 15 यहाँ भी है, 15 इसका लघुत्तम भी आया है, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा, 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो इस तरह से ये विविध प्रश्नमाला पहला समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।